हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्रीविंग्स। जैसा कि आपको पता होगा, 31 जुलाई को एमएससी का और बीएससी 10th बेस्ड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। एमएससी का ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर और आंसर की 8 अगस्त को आएगा। सो दिस इज़ एन आर्टिकुलेट वीडियो रिगार्डिंग सेल्फ एनालिटिकल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर विच विल हेल्प इन अपकमिंग एग्जाम बाई एनालाइजिंग द शिफ्ट इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन कन्वेंशनली आस्क्ड। फीडबैक ये है कि पेपर वॉज नॉट एज टिपिकल एज लाइक प्रीवियस ईयर, स्पेशली जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन वर क्वाइट हार्ड एंड अदर्स लाइक पैथो, एग्रो, होर्टी, सोयल, निमेटो एंड एंटो वर कंपेरेटिवली ईजी। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इनफ्लोरोसेंस ऑफ मैंगो। मैंगो की इन्फ्लोरोसेंस को पेनिकल कहते हैं। इसके अंदर अदर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे थे लाइक अम्बेल और कुछ और ऑप्शंस थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, इकरडा वाला, उसने जो क्लासिफिकेशन दे रखी है वो मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के बेसिस पे दे रखी है, ठीक। एसेंशियलिटी ऑफ आयरन वॉज गिवन बाई ग्रीस, GRIS। ओके, पार्शियल फ्लूम किसको मेजर करता है? तो इसमें ऑप्शंस थे फ्लोइंग वाटर, फ्री फ्लोइंग वाटर, सबमर्ज्ड वाटर फ्लो, या बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग सबमर्ज्ड वाटर फ्लो होगा। नेक्स्ट है, ट्रेंचिंग जो मेथड है वो कंट्रोल किया जाता है लोकस्ट के लिए, ग्रास ओपर के लिए और रेड हेरी कैटरपिलर के लिए। मेथड ऑफ प्रोजेक्शन विच डिपेंड्स ऑन लाइट रिफ्लेक्शन, ये अगेन एक्सटेंशन का जो क्वेश्चन है, इसमें ईडियोस्कोप या लालटेन प्रोजेक्शन दोनों हो सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की हमें पता लगेगा। विच इज़ एन बैक्टीरियल डिजीज़, तो जो क्राउन गोल है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसेंस, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। जो प्रोपगेशन मेथड रोज़ में यूज़ हो रहे हैं वो टी बडिंग है। यूनिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज विलेज। एक्सटेंशन दैट इज़ यूज फॉर अपलिफ्टिंग द पुअर वॉज एमनिसिपेटिंग एक्सटेंशन। जो एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी आई है अभी, तो वो 2014 की है। नेक्स्ट है, विद ट्री फॉर सलाइन एंड एल्कलाइन सोयल इज प्रोसोफिस जूलीफेरा, जो आपका जांडी है उसको कहते हैं प्रोसोफिस जूलीफेरा। ट्रू वेजिटेबल, ठीक है, ट्रू वेजिटेबल कौन सी होती है? तो वो होती है स्पाइनेज, ठीक है। ओकरा क्या है? ओकरा एक ट्रू फ्रूट है, स्पाइनेज आपकी ट्रू वेजिटेबल है। फॉरेस्ट्री के बारे में चीज़ लिखी हुई थी भी, इनमें से कौन सा सूटेबल है? तो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रोडक्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके अंदर एक ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी की जगह अडेप्टेबिलिटी था, तो माइनर चांसेस है कि वो ऑप्शन भी हो, ठीक है। सोलनाइजेशन इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, और वैसे ही सोलो डाइजेशन इज़ रिमूवल ऑफ सोडियम। नेक्स्ट, रियल इनकम एक कंट्री की क्या होती है? रियल इनकम का मतलब है भाई नेट नेशनल इनकम जो होती है एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस, ये एक कंट्री की रियल इनकम है। ओके, नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1,00,000 लीटर पानी होता है, ठीक है। बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो दूसरा होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 20वां क्वेश्चन है भी, मोस्ट फ्लक्चुएटिंग स्पैटियल कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। तो इसके अंदर वैसे तो टेम्परेचर भी हो सकता है और रेनफॉल भी, क्योंकि टेम्परेचर एक बेसिक कंपोनेंट है जिससे बाकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। और मोस्ट फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं तो रेनफॉल भी हो सकता है कि आज इस गांव में बारिश हुई है, अगले में नहीं हुई, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट ये कर रहा है, हिली एरियाज में हुई है, कोस्टल में हुई है या प्लेन्स में नहीं हुई, सो इट मे बी वेरिंग। इंसेक्ट लेग रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ, तो ट्रोकेंटर, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन कोक्सा भी था। इंट्रोड्यूसिंग अ स्पीसीज टू नॉन अडेप्टेबल एरिया विल कोज डिक्रीज इन विगर सीड डेवलपमेंट। तो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट और बाकी ऑप्शन भी थे, बट ये सीड साइंस का क्वेश्चन था, तो कुछ कॉमन सा सेंस लगा के हम इसको ये ऑप्शन कर सकते हैं, डिक्रीज इन विगर सीड डेवलपमेंट। अगर आप किसी वैरायटी को, किसी स्पीसीज को नॉन अडेप्टेबल एरिया में इंट्रोड्यूस करोगे तो कुछ समय बाद उसके विगर सीड डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ गार्डन, अमेरिकन गार्डन नहीं है, जो अमंग द ऑप्शन जो थे फ्रेंच गार्डन, इंग्लिश गार्डन, जैपनीज गार्डन, ठीक है।
प्राइस ऑफ फोन इंक्रीजेज देन इट्स डिमांड विल डिक्रीज. तो नेगेटिव रिलेशन होता है जैसे हमें पता है डिमांड और प्राइस में, तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. मैक्सिमम ओजोन इज फाउंड एट 25 किलोमीटर, दैट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर. हैरिंगस्टन थंब रूल इन सीड स्टोरेज, तो 14% मॉइस्चर पे और 50 डिग्री सेल्सियस पे हम सीड को स्टोर करते हैं इस थंब रूल के अकॉर्डिंग. जितना कम मॉइस्चर होता है उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर स्टोरेज के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है. सिलेक्ट द सीड बोन डिजीज, तो लूज स्मट जो होती है वीट की वो क्या है, वो सीड बोन डिजीज़ है. नेक्स्ट है सोलर ट्रीटमेंट किस लिए होता है. सोलर ट्रीटमेंट लुथार एंड सुथार ने दिया था, ये भी लूज स्मट के लिए है. ठीक है, ये होती है इंटरनली सीड बोन डिजीज होती है. आजकल तो इसके लिए सिस्टेमिक फंगिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन अगला यही है भी, सुपीरियर सिस्टेमिक फंगिसाइड कौन सा है. अब तो जो बेविस्टान या कार्बेंडाजिम जिसको कह रहे हैं हम, दैट इज़ सुपीरियर सिस्टेमिक फंगिसाइड. सम स्पेसिफिक डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड बाय यूजिंग, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है भी. एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं है, जैसे बताया भी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड थी, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आए, तो जेनेटिक्स का या बायोटेक का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको भी. किसी को कोई बीमारी हो रखी है उसके आप कैसे डायग्नोज करोगे, तो उसका ऑप्शन समथिंग ऐसा था ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब. ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब ऐसा प्रोब जो 2 से 5 बेसिस से बन के मिला होता है, वो मैच ऑन कर देगा उस स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस के साथ जाके. तो मे उसका आंसर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब हो सकता है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर से. कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया, एल्डर गाले ने. इनमें से गलत क्या था, एग्रोनॉमी का पहला ही क्वेश्चन था भी, जो जिया अमाइलेशिया होती है वो फ्लोर कोन होती है ना कि डेंट कोन. डेंट कोन होती है आपकी जिया इंडेंटाटा. सीड रेट पे अगेन एक ही क्वेश्चन आया है सिर्फ. सीड रेट वीट का 100 किलो होता है सीड रेट प्रति हेक्टेयर और 40 किलो प्रति एकड़. अब एक प्रैक्टिस लिखी हुई थी कौन सी इंटरकल्चरल प्रैक्टिस मतलब गलत है, कौन सी मैच नहीं कर रही, तो ग्राउंड नट में प्राइमिंग नहीं करते हम, प्राइमिंग होती है तंबाकू के अंदर. एनर्जी करेंसी क्या होती है, फॉस्फोरस. और लग्जरी कंजम्पशन की बात करें तो पोटेशियम की लग्जरी कंजम्पशन है. यील्ड फॉर 2 डायरेक्शन और सेग्रीगेटिंग वेराइटी, स्टेटिस्टिक का या जेनेटिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको भाई. अगर आपकी कोई क्रॉप है वो उसकी यील्ड 2 डायरेक्शंस में सेग्रीगेट हो रही है, तो उसके लिए आप कौन सा रैंडम ये रैंडम डिज़ाइन यूज़ करोगे या CBD यूज़ करोगे. और एक ऑप्शन स्प्लिट प्लॉट था, तो इसका भी आंसर किए आने के बाद श्योर होगा भी स्प्लिट प्लॉट है या RBD. इलाइट्रा टाइप विंग्स प्रेजेंट इन बीटल्स, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज़ क्राउन गाल एक बैक्टीरिया है. कल्चरल कंट्रोल भी, ये किस क्रॉप का कल्चरल कंट्रोल है और किस पेस्ट का बेसिकली, जिसके अंदर आप सीड रेट को इंक्रीज़ कर रहे हो. तो आप सीड रेट को इंक्रीज़ करते हो तो शोरगम शूट फ्लाई का इंसिडेंस कम होगा. विच इज़ अ परमानेंट कमोडिटीज़ मार्केट, जो सेक्युलर मार्केट होती है वो कमोडिटी की मार्केट है. ठीक है, और मनी मार्केट आपकी जो जो कमोडिटीज़ नहीं है वो मनी मार्केट में आ जाएंगी. ठीक है, जैसे बॉन्ड्स और ये जो होते हैं सिक्योरिटीज़ वो मनी मार्केट में, बट कमोडिटीज़ की परमानेंट मार्केट सेक्युलर मार्केट है. अब एक आदमी भी जितना पढ़ रहा है उसका कितना याद रखेगा, तो 10 से 15% उसको रिटेन करके रखता है. ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस से क्वेश्चन था, कोन ऑफ एक्सपीरियंस के मान सकते हो 2 क्वेश्चन आ गए अभी. हु टोल्ड रिगार्डिंग एस्थेटिक वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, MS रंधावा ने ये सब बातें कही थी भी, फ्लावर बहुत अच्छे हैं ये. हिसार सोनाली अगेन वैरायटी का भी एक ही क्वेश्चन है, सीड रेट का भी एक ही क्वेश्चन था, मतलब पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से सिर्फ 2 क्वेश्चन है सीड रेट और वैरायटी के. हिसार सोनाली जो है वो मेथी की वैरायटी है, फेन्यूग्रीक. सिलेक्ट एलो टेट्राप्लोइड प्लांट, तो जो ब्रैसिका जुनसिया है नियागरू या यू ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ये एलो टेट्राप्लोइड प्लांट है जो कि क्रॉस है आपकी ब्रैसिका नाइजरा और ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस की. ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 18. ठीक, एन इज इक्वल टू 18 होगा इसके अंदर, तो ये एलो टेट्राप्लोइड है. नाइट्रोजन कितनी है DAP के अंदर, तो ये 18% होती है नाइट्रोजन DAP के अंदर. ठीक है, फॉस्फोरस नहीं पूछा था, नाइट्रोजन का पूछे तो 18% ही होगी. नेक्स्ट भी साइंटिफिक नेम थे, राइजोम वीविल जो होता है
वो एक मोनोफेगस पेस्ट है बनाना का, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है कोस्मोपोलिटस सोडाइसस। निमेटोड की जो ईसोफेगस है वो ट्राई रेडियल है। निमेटोड जो स्ट्रॉबेरी में पाए जा रहे हैं, अगेन ये क्वेश्चन यूजुअल बुक्स में नहीं मिलता, तो एफ्लेनकोइड्स फ्रेग्रेनी, तो फ्रेग्रेनी से स्ट्रॉबेरी कुछ रिलेट करके ईजिली इसको किया जा सकता था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी से फ्रेग्रेंट आती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर काफ़ी फेमस है। एफ्लेनकोइड्स फ्रेग्रेनी। सीरियल सिस्ट निमेटोड कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई 60 टाइप मैश। सोयल लॉस इक्वेशन फैक्टर, तो इसमें क्वेश्चन था अभी सोयल लॉस इक्वेशन के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है, तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन था जिसके अंदर क्रॉप मैनेजमेंट, स्लोप लेंथ, जो सब कुछ था वो सारा ठीक था, तो ए इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी। हॉर्टिकल्चर में कॉक्सकॉम्ब किसका डिसऑर्डर है, तो स्पोटा का डिसऑर्डर है। लेट मैच्योरिंग वेराइटी के अंदर आता है उमरान, बेर की जो वेराइटी है। वेजिटेबल्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन। मेज इज़ अ डेफिशिट इन लाइसिन में भी है और ट्रिप्टोफैन में भी है, और वैसे तो नियासिन के अंदर भी मक्की डेफिसिट होती है जिसकी वजह से पेलेगेरा डिजीज़ भी हो जाती है, ठीक है, नियासिन यानी विटामिन B3। तो इसका ये वाला आंसर था। स्टेम नोडुलेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, रूट नोडुलेशन हमें पता है अभी डेंचा सनहेम्प ये सब है, बट स्टेम नोडुलेशन है सिसबेनिया रोस्ट्राटा जो है, और रूट नोडुलेशन थी सिसबेनिया एक्यूमिनेलाटा। एक कंटिन्यूस फ्लो एफर्ट टूवर्ड्स एंड्स इज नोन एज, इट कैन बी गोल भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट मोर प्रेफरेंस गोल को दी जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। कंटिन्यूस एफर्ट कोई बंदा कर रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए, दैट इज इट्स गोल, बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली फॉर लॉन्ग टर्म। तो प्लियोट्रिपी शोन बाई, प्लियोट्रोपिक इफेक्ट शोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें एक ऑप्शन था ह्यूमन सिस्टोसिस फिब्रोसिस, तो ये कोई समथिंग जो डिजीज़ है उसके अंदर लिखा हुआ था स्पेशली भी ये बहुत सारे सिम्टम्स कर रही है, तो बहुत सारे सिम्टम्स कर रही है एक ही बीमारी, यानी प्लियोट्रोपी इफेक्ट शो कर रही है, प्लियोट्रोपीज भी एक जीन काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज़ प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट है भी ऐसा कंपोनेंट ह्यूमस का जो पानी के अंदर घुल रहा हो सभी कंडीशंस में, तो वो आपका होता है फुलविक एसिड, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन के कितने स्टेप्स होते हैं, तो इसके 5 स्टेप्स हैं जो नॉर्मल सोर्सेस होते हैं, जो मे बी शायद HUE मैनुअल में भी 5 स्टेप्स हैं, बट TNU की साइड 6 स्टेप भी बताती है, तो अकॉर्डिंगली जो चाहे इस पे ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। राइट मैंडिबल इज रूडिमेंट्री इन, जो रेस्पिंग टाइप दिया हुआ है उसके अंदर राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है, लाइक थ्रिप्स के अंदर राइट मैंडिबल नहीं होता। कई बच्चे सिफनिंग टाइप भी करके आए होंगे, बट सिफनिंग टाइप में ही होता है, अभी मैंडिबल ही एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ पूछे राइट मैंडिबल रूडिमेंट्री है रेस्पिंग में। गैलिया जो है वो मैक्सिला की मॉडिफाइड फॉर्म है, ना कि लैबियम या लैब्रम की, किसकी मैक्सिला की मॉडिफाइड फॉर्म है। एक अगेन क्वेश्चन है सोयल का भी, एक इजी सा भी, सेलाइन सोयल है, उसकी pH जो है वो 8.5 से कम है और ESP भी 15 से कम है, ओके 8.5 से कम और ESP भी 15 से कम। SAR जो है उसमें जो ये A है वो किसको डिनोट करता है, तो दैट डिनोट्स एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन। जो प्लांट की ग्रोथ और उसकी हीट के बारे में जो रिलेशनशिप दिए वो किस साइंटिस्ट ने दिए, तो इसका श्योर नहीं है बट इसका वॉटसन अभी तक माना जा सकता है, क्योंकि वॉटसन ने दिया था लीफ एरिया इंडेक्स, तो आपका लीफ एरिया इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा होगी, ज़्यादा इंटरसेप्शन होगा लाइट का, और लाइट का इंटरसेप्शन ज़्यादा है तो प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, तो बेसिकली इसका वॉटसन कर प्रेफरेंस दी जा सकती है अगर क्वेश्चन आता ना हो तो। नेक्स्ट था अभी फ्रेडरिक जी बेंटिंग नाम का साइंटिस्ट कोई था, उसने कुछ डेसिफर या प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो दैट इज़ उसका आंसर है इंसुलिन, इस बंदे ने सबसे पहले आइसोलेट किया था कोड वगैरह इसका। वायरस मल्टीप्लाइज बाय DNA रेप्लिकेशन, बाकी ऑप्शंस इसके अंदर थे भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट DNA रेप्लिकेशन इज द करेक्ट आंसर। अर्गट जो हो रहा है बाजरा के अंदर, दैट इज़ ड्यू टू क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, और रेड रोट जो डेंजरस बीमारी है केन की, दैट इज़ ड्यू टू क्लिकोट्रिकम फ्लैकेटम। जो येलो स्टेम बोरर है, अगेन ये भी कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन में डेड हर्ट दे दिया,
एक में दे दिया डेड हर्ट प्लस वाइट ईयर, ठीक है। तो येलो स्टेम बोरर दैट इज क्रिप्टोफेगा इंसर्टुलास आपके डेड हर्ट भी कर रहे हैं और वाइट ईयर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। मेन पेस्ट है ये राइस का, जिसको गोब की सुंडी भी कहते हैं। इमोबाइल न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज बोरोन एंड कैल्शियम, ऑप्शन में सिर्फ बोरोन था। सल्फर टॉक्सिसिटी कौन सी डिजीज़ कर रही है, दैट इज़ H2S जो है वो एक्योची डिजीज़ करती है राइस के अंदर। एफ्लाटॉक्सिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अरेकिस हाइपोजिया यानी ग्राउंड नट। एडिबल फंगस अगेरिकस है अपनी, दैट इज़ मशरूम। वैक्टर ऑफ बंची बीबी टीवी जो बनाना के अंदर डिजीज़ आ रही है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो उसका वैक्टर होता है बनाना एफिड, दैट इज़ पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। वट आर राइजोप्लेन बायो एजेंट्स, राइजोप्लेन बायो एजेंट्स वो होते हैं जो रूट प्लस में उसके सराउंडिंग एरिया में काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में था एक तो बिल्कुल रूट के ऊपर काम कर रहे हो, अब राइजोप्लेन है तो उसका मतलब होता है सराउंडिंग एरिया ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर राइजोस्पियर होता तो ओन रूट्स कह सकते हैं, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, राइजोप्लेन बायो एजेंट वो बायो एजेंट जो रूट और उसके सराउंडिंग एरिया में कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एल्काथीन ग्रीस बेंडिंग जो है वो किस में यूज़ हो रही है, दैट कैन बी यूज, दैट इज़ ओनली यूज इन मिली बग्स, ठीक है। ऑल ऑफ दीज भी इसके अंदर ऑप्शन था, तो ये मिली बग्स के अंदर यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है रेस्टिंग इन विंटर सीजन इज़ नोन एज, तो हाइबरनेशन विंटर सीजन की रेस्टिंग है, एस्टिवेशन समर सीजन की है, और एक ऑप्शन था डायापोज, ठीक है। वो एक इंसेंट क्यूसेंस, क्यूसेंस का मतलब होता है इंसेक्ट की कोई रेस्टिंग स्टेज होती है वो अलग है, ठीक है। तो इसका हाइबरनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल मेजर हमें इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल पे स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इज होस्ट रेजिस्टेंस, बाकी ऑप्शन थे जैसे केमिकल और भी था एक ऑप्शन, ठीक है। तो ये है भी, ऑल ऑफ दिस भी ऑप्शन था, बट होस्ट रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल पूछा है, तो होस्ट रेजिस्टेंस। अब इनमें से क्रोमेटिड्स के बारे में क्या चीज़, ठीक है। क्रोमेटिड्स आर बेसिकली कॉपी ऑफ वन हाफ ऑफ क्रोमोजोम, भी दो क्रोमेटिड बन के एक क्रोमोजोम बनाते हैं और वो एकदम बिल्कुल हूबहू अपनी आपसरी की कॉपी है, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं उन्हें, तो कॉपी ऑफ वन क्रोमोजोम, ये डी ऑप्शन था उसके अंदर। डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए एक लंबा सा क्वेश्चन था काफ़ी, तो उसमें ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिक बेसिस है जो अंदर की साइड होते हैं और जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उससे डीएनए स्टेबल होता है और मजबूत भी। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है डिजीज ट्रायंगल का, तो जो सोयल होता है वो कंपोनेंट नहीं होता, और बाकी जो जैसे कि आपका होता है दैट इज़ लाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन प्रोमोटर इज अटैच टू 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल कोडिंग टेम्पलेट, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी थे, ठीक है। यूजुअली क्या होता है भी बच्चे एमएससी का पेपर 40 मिनट के अंदर कर देते हैं, 2 घंटे टाइम मिलता है, बट अब की बार बच्चों को 1.5 घंटा मिनिमम लगा ही लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है जीन फ्रीक्वेंसीज कॉन्स्टेंट एट इन विच केस, तो जो रैंडम मेटिंग है या क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज होती है उनके अंदर जीन फ्रीक्वेंसीज कॉन्स्टेंट होती है, जैसे इसके रिगार्डिंग एक हार्डी वेनबर्ग लॉ भी है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। एक्टिव फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन इज क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म एक्टिव है, बाकी आपके पैसिव फैक्टर होते हैं जैसे कि पेरेंट मटेरियल हो गया, टोपोग्राफी हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। टेट्राप्लोइड जो वीट होती है वो डाइकोकम जो है वो एक टेट्राप्लोइड वीट है। राइस की कल्टिवेटेड स्पीसीज इज ओराइजा ग्लैब्रिमा जो अफ्रीका के अंदर हो रही है, दूसरी कल्टिवेटेड स्पीसीज है ओराइजा सेटिवा जो एशिया के अंदर हो रही है। फायर हजार्ड फर्टिलाइजर होता है अमोनियम नाइट्रेट जो कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक भी होता है और फायर हजार्ड भी है जिसको हम स्टोर नहीं करके रख सकते। वट इज़ अ क्रॉपिंग स्कीम, तो क्रॉपिंग स्कीम वो होते भी फसलों को डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स पे उगाना है अपने फार्म पे टू गेट द मैक्सिमम यील्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है भी आप फसल को उगाने से पहले एक प्लान बना रहे, एक बजट बना रहे ताकि अपनी मैक्सिमम यील्ड बने, दिस इज क्रॉपिंग स्कीम। नेटवर्थ क्या होती है, दिस इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज नेटवर्थ।
Short duration crops between two main crops is ephemerals. तो इसका कैच क्रॉप आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कैच क्रॉप क्या होता है भी, जब आपकी एक क्रॉप ख़राब हो गई, ठीक है, तब आप उसको एमरजेंसी क्रॉप की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो अदरवाइज़ ये अभी टू मेन क्रॉप्स लिखा हुआ है, तो ephemerals आर द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स. ओके, तो ये 93 क्वेश्चंस हैं जो हमें लगे हैं. एक क्वेश्चन और है, 94th क्वेश्चन, दैट वाज एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था MSP के रिगार्डिंग, भी मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो कौन रिकमेंड करता है. तो इसको रिकमेंड करता है कमीशन ऑन CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. तो ये जो कमीशन है वो रिकमेंड करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको लागू करती है MSP को, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस थे. जैसे कि MSP का 6th ईयर प्रोग्राम की एंट्रेंस में भी क्वेश्चन था, भी MSP हाल फिलहाल कितनी क्रॉप्स पे दिया जाता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए. तो इसका बेसिकली ये होता है भी 23 क्रॉप्स पे मिलना लग गए MSP, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है ना, 22 क्रॉप्स नहीं आएगा, 23 क्रॉप्स पे मिल रहे हैं MSP, ओके, जो 2023 के अंदर है. ओके, थैंक यू.